चिल्ड्रन, आशा है आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। लास्ट टाइम अपन इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 9 प्रीपोजिशन के अंदर स्टडी कर रहे थे और आज अपन इसमें आगे स्टडी करेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 30 पे आ जाइए। पेज नंबर 30 पे आपको इसमें बी पैराग्राफ दिया हुआ है, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको कुछ सेंटेंसेस पढ़ने हैं और उससे पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स है जो समझाऊंगा, जैसे कि आफ्टर, आफ्टर ये होता है के बाद में, ये भी एक प्रीपोजिशन है। ऑफ, ऑफ यानी का, एक्रॉस यानी के पार, फ्रॉम, फ्रॉम यानी से अलग, कोई भी चीज़ से कोई चीज़ अलग होती है ना उसके लिए फ्रॉम यूज किया जाता है। थ्रू यानी के द्वारा, आपको इनका मीनिंग भी याद रखना है, ठीक है। तो पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, ही सेड बीसाइड हर, वह उसके बगल में उसके साइड में बेटा है। वी ऑल लुक्ड एट हर, हम सबने उसको देखा या उसके ऊपर देखा, एट यानी पर। सी कैम विथ मी, वह मेरे साथ आई, विथ यानी मेरे साथ, साथ यानी होता है विथ। शी रीच हेयर बिफोर मी, वह यहाँ मेरे से पहले पहुंची, बिफोर यानी होता है पहले। शी लिव्स नियर मी, वह मेरे पास रहती है, नियर यानी पास में। सिक्स देखेंगे, द डॉग वॉक बिहाइंड हर, डॉग उसके पीछे घूमता था, तो बिहाइंड यानी के पीछे। द डॉग रैन आफ्टर हर, डॉग उसके बाद दौड़ा, के बाद दौड़ा, आफ्टर यानी के बाद, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर यानी के बाद। दिस लेटर इज फ्रॉम हर, ये लेटर उससे आया है। द स्टार्स आर अबोव अस, स्टार्स हमारे से ऊपर हैं, हमसे ऊपर हैं, अबोव यानी के ऊपर या से ऊपर। देयर इज अ वॉल राउंड इट, वहाँ एक वॉल है जो चारों तरफ घिरी हुई है, राउंड यानी चारों तरफ है। इन दिस सेंटेंसेस द प्रीपोजिशंस बिसाइड, एट, विथ, बिफोर, नियर, बिहाइंड, आफ्टर, फ्रॉम, अबोव एंड राउंड आर यूज विथ प्रोनाउंस, ये सभी प्रोनाउंस के साथ यूज किए जाते हैं। डेफिनेशन देखिए, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, एक प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है। टू शो द रिलेशन, जो दिखाता है क्या रिलेशन, इन विच द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन स्टैंड टू समथिंग एल्स, और जो कोई व्यक्ति है कोई वस्तु है उसको किस प्रकार से डिनोट किया जाता है, और वो नाउन पे वो नाउन है या फिर प्रोनाउन है उसके बारे में भी बताता है। प्रीपोजिशन टेल अस वेयर अ थिंग इज, प्रीपोजिशन हमें बताते हैं कि वस्तुएं कहाँ हैं। दे टेल अस द डायरेक्शन ऑफ ए थिंग, वे हमें डायरेक्शन बताते हैं कि ये चीज़ें कहाँ पर हैं। एंड दे आल्सो टेल अस द टाइम, और ये हमें समय भी बताते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे ऑन जो है ये प्लेस बता रहा है कि जगह बता रहा है, बुक बुक कहाँ पर है, टेबल पर है। टॉम इज गोइंग फ्रॉम हिज हाउस टू द पार्क, टॉम उसके घर से पार्क की ओर जा रहा है। टू का यूज करते हैं पर टू यानी मैं भी हो सकता है, पार्क में जा रहा है कौन, टॉम, तो टू का मतलब मैं। हिज बर्थडे पार्टी इज ऑन फ्राइडे एट 4 PM, उसकी बर्थडे पार्टी फ्राइडे पर 4 बजे है शाम को। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज द वर्ड्स इन कलर टाइप टेल अस हाउ वन थिंग स्टैंड्स इन रिगार्ड टू अनदर, सच वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड प्रीपोजिशंस। अब आपको कुछ नीचे सी पैराग्राफ में सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इन सेंटेंस को भी आपको पढ़ना है। सी इज फोंड ऑफ डॉल्स, तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन है, और
इसमें कलर जो वर्ड दिख रहे हैं ना आपको, जैसे कि पहले सेंटेंस में ऑफ, सेकेंड सेंटेंस में इन, थर्ड देखोगे अपन तो द डॉग रेन अक्रॉस द फील्ड, डॉग फील्ड के पार दौड़ा, अक्रॉस क्या है प्रीपोजिशन, द थीफ जंप थ्रू द विंडो, चोर विंडो के द्वारा कूदे या विंडो के द्वारा उन्होंने जंप लगाई, लेट अस गो फॉर ए वॉक, अब हम घूमने के लिए जाते हैं, फॉर यानी के लिए, ही वेंट टुवार्ड द पोस्ट ऑफिस, वह पोस्ट ऑफिस की तरफ गया, टुवार्ड्स यानी की तरफ, मोहन इज नॉट एट होम, मोहन घर पर नहीं है, द मून शाइन्स एट नाइट, मून रात में चमकता है या रात पर चमकता है, शी वेंट टू द मार्केट, में मार्केट में गई, टू का यहाँ पे मैं यूज करा है अपन ने, कोलकाता इज ऑन द रिवर हुगली, कोलकाता हुगली नदी पर है, तो हुगली नदी पर कौन सा जो जिला है वो बसा हुआ है, कोलकाता, पेज नंबर 31 पे आ जाइए, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपनी, इसमें एक क्वेश्चन है अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें प्रीपोजिशंस को आप अंडरलाइन करोगे, तो मैं आपको अंडरलाइन करवाऊंगा, आप लोग भी अंडरलाइन करते जाइए, पेज नंबर 31 पे आ जाइए, फर्स्ट सेंटेंस पढ़ूंगा, आई सॉ अ लार्ज क्राउड नियर द पोस्ट ऑफिस, उसमें नियर वर्ड क्या है प्रीपोजिशन है, तो नियर के नीचे आप लोग अंडरलाइन कर लोगे, सेकेंड सेंटेंस है सीता सेड बिटवीन हरी एंड राम, सीता हरी और राम के बीच में बैठी, तो बिटवीन जो वर्ड है ये क्या है प्रीपोजिशन है, तो इसको भी अपन अंडरलाइन कर लेंगे, आई मेट हर ऑन द वे, मैं उससे रास्ते पर मिला, तो कौन वर्ड क्या है यहाँ पर प्रीपोजिशन, तो कौन के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे, नेहा सेड बीसाइड हर, नेहा उसके साइड में बैठी, तो बीसाइड वर्ड प्रीपोजिशन है, नेक्स्ट सेंटेंस वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर एंड वाटर, हम बिना एयर और वाटर के नहीं जी सकते, विदाउट प्रीपोजिशन है, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे, द बॉय फेल ऑफ द बाइसिकल, लड़का बाइसिकल से गिर गया, कहाँ से गिर गया बाइसिकल से, तो ऑफ जो वर्ड है ये प्रीपोजिशन है, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे, द हाउस इज ऑन फायर, घर पर आग है, तो ऑन वर्ड प्रीपोजिशन है, आई वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड सीता, मैं सीता के पीछे खड़ा था, तो बिहाइंड जो वर्ड है ये क्या है प्रीपोजिशन है, कमला सेड अमोंग द गर्ल्स, कमला लड़कियों के बीच में बेटी थी, तो अमोंग जो वर्ड है ये प्रीपोजिशन है, इसके नीचे अपन अंडरलाइन कर लेंगे, नेक्स्ट टेक केयर ऑफ योर बुक्स, अपनी बुक्स का ध्यान रखो, तो इसमें ऑफ जो वर्ड है ये क्या है प्रीपोजिशन है, तो इस तरह से आपको ये प्रीपोजिशंस को अंडरलाइन करना है, जिस तरह से मैंने अंडरलाइन करे हैं इन सभी सेंटेंस के अंदर, ठीक है, आपको भी इन वर्ड्स को इसी तरह से अंडरलाइन करना है, नेक्स्ट बी थिंक द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स, आपको ब्रैकेट में से दो वर्ड्स दिए गए उनमें से एक पे टिक करना है, जो करेक्ट होगा उस पे आप टिक करोगे, तो मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा, फर्स्ट द पेंटिंग इज ऑन द वॉल, पेंटिंग दीवार पर है, तो ऑन वर्ड पे अपन टिक कर लेंगे, द कैट इज इन द बास्केट, आप पिक्चर में देख रहे होंगे ना कैट किस में बास्केट के अंदर है, तो इन मतलब के अंदर, इन पे टिक कर लेंगे, द चेयर इज, आप देखोगे जो इस पिक्चर में चेयर नियर है टेबल के, तो नियर पे टिक कर लेंगे अपन, द बर्ड फ्लू ओवर द ट्री, बर्ड ट्री के ऊपर से उड़ रही है, तो
टिक कर लेंगे अब करेक्ट ऑप्शन। समीर इज बिटवीन नीना एंड निधि, और समीर नीना एंड निधि के बीच में है, तो बिटवीन कर लेंगे ना अपन, क्योंकि पिक्चर में देख रहे हैं और वो समीर बीच में खड़ा है। द केट जम इन टू द वेल, केट ने कुएं के अंदर छलांग लगाई, तो इन टू यानी के अंदर, तो इन टू पे टिक कर लेंगे अपन। द बॉय वेंट अप द हिल, लड़का ऊपर की तरफ जा रहा है ना इसमें, हिल पे पहाड़ी पे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अपन अप द हिल लिखेंगे। द बॉल रोल डाउन द स्टेयर्स, बॉल सीढ़ियों से नीचे गिर रही है या उतर रही है, तो डाउन लिख देंगे ना अपन। आप देखोगे पिक्चर में नीचे आ रही है ना बॉल, इसलिए अपन डाउन पे टिक कर लेंगे। द बाइसिकल इज बिहाइंड द गेट, आप देखोगे इस पिक्चर में बाइसिकल कहाँ पर है, गेट के पीछे है ना, इसलिए अपन इसमें बिहाइंड पे टिक कर लेंगे। द हेड ऑफ द फॉग इज इन टू द वॉटर, पानी के अंदर है ना फॉग मेंढक, तो इस तरह से आपको राइट ऑप्शन पे टिक करना है जिस तरह से मैंने टिक करे। नेक्स्ट पेज पे आइए, ये क्वेश्चन भी अपन कर लेते हैं। फर्स्ट है देयर इज अ वॉल एट द स्कूल, स्कूल पर एक वॉल है, तो अपन फर्स्ट लिख लेंगे ए। सेकंड अशोक सेठ एक काम करेंगे अपन है ना, जो ये वाले जो प्रीपोजिशन है पहले इनके मीनिंग अपन को करना जरूरी है, तो इनकी मीनिंग पहले अपन नेक्स्ट क्लास में मीनिंग समझेंगे पहले इनके, और फिर उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आपको मैं आज का होमवर्क बता देता हूँ, आज आपको क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी जो एक्सरसाइज अभी अपन ने सॉल्व करी थी ना पिछली एक्सरसाइज, उसमें ए और बी जो दोनों क्वेश्चन मैंने भी आपको सॉल्व करवाए थे, एक में आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना था और उससे पहले वाले में आपको अंडरलाइन करने थे प्रीपोजिशंस को, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने थे। और जो मेरे बोर्ड पे कुछ प्रीपोजिशन के मीनिंग लिखवाए थे ना आपको, इन प्रीपोजिशंस को भी आपको अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है और इनको लर्न भी करना है। और जो बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, इसमें जो कुछ प्रीपोजिशंस हैं इन प्रीपोजिशंस के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में ही समझेंगे। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।